नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी क्लास 10वीं के रिजल्ट में हुआ बड़ा फेरबदल। बोर्ड ने किया बड़ा फेरबदल, लिया और अतिरिक्त समय। देखिए क्या कुछ रहा है पूरा मामला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं, 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो स्कूल जुर्माना नहीं भरेगा उसका रिजल्ट रोका जाएगा। यानी कि बताया गया हरियाणा बोर्ड ने, जो भी स्कूल है जुर्माना नहीं भरता है तो उस स्कूल का रिजल्ट रोक लिया जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखिए, डो बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह एवं राजीव प्रसाद जो कि सचिव है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा मार्च 2019 में निजी विद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष अनुपस्थित रहे थे, उन्हें यह जुर्माना राशि भरनी है। मगर कुछ विद्यालयों द्वारा यह जुर्माना राशि नहीं भरी गई। ऐसे विद्यालयों के वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 के अनुक्रमांक संभावक व परीक्षार्थियों के हित को देखते हुए जारी कर दिए गए थे। इसके बावजूद भी स्कूल जुर्माना राशि नहीं भर सके, ऐसे स्कूल को 20 से 25 मई तक का समय ऑनलाइन जुर्माना राशि भरने के लिए दिया गया है। बोर्ड वेबसाइट पर दिए गए पोर्टल पर जुर्माना राशि भर सकते हैं। ऐसे विद्यालयों की सूची भी बोर्ड ने डाली हुई है, मैंने आपको सूची भी दिखाई थी। पहले उन्हें समय दिया गया था 15 मई तक का, अब उनका समय बढ़ा दिया है भाई, ठीक है। उन्हें 20 तारीख से 25 तारीख के बीच और अतिरिक्त समय दे दिया है बोर्ड ने, और उन्हें बताया है कि आप अपने जो प्रैक्टिकल के नंबर हैं और CCE के नंबर हैं सभी चढ़ा दें। ऐसे विद्यालयों से भी जुर्माना राशि 20 से 25 तक ली जाएगी। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी दोनों परीक्षाओं के लिए जुर्माना अलग अलग लिया जाएगा। जुर्माने से संबंधित राशि सूची बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है। जो विद्यालय निर्धारित समय तक जुर्माना नहीं भरेगा उसका वार्षिक परीक्षा मार्च 2020 का परिणाम रोक लिया जाएगा। यानी कि आप सभी को मैं बता देता हूँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो परिणाम है, जो 20 तारीख यानी कि आज डिक्लेयर होने वाला था शाम 4 बजे, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इन स्कूलों को अतिरिक्त समय दे दिया है आप और जुर्माना भरने के लिए। और आप सभी को मैं बता देता हूँ, अभी भी संशय बना हुआ है कि रिजल्ट इन स्कूलों का रोक कर भी आज भी रिलीज़ हो सकता है, लेकिन ये मैं आपको 3 बजे क्लियर करके बता दूँगा। 3 बजे तक का मुझे और अतिरिक्त समय दीजिएगा। अगर 3 बजे भी रिजल्ट रिलीज नहीं होता है, उसके बाद भी कोई संशय बन जाता है, तो आपका जो रिजल्ट है वो बाद में ही रिलीज करेगा। उस पर फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है बोर्ड ने अपनी तरफ से कि हम आपका ये रिजल्ट इस दिन रिलीज करेंगे। बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, शेयर कीजिएगा सभी के साथ। धन्यवाद।